एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवा मलिक ओवर हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। कि मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट है ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो इजिली क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए बाहर गया, हॉस्टल में रह रहा है, अगर वो मेंटली हेल्दी है तो वो उस रूम में, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट है ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय हिज ओन एफर्ट्स एंड मेक्स हिज ओन डिसीजन। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने जो भी प्रॉब्लम होगा अपने एफर्ट्स लगाता है वो सॉर्ट आउट करने में, और अपने खुद के डिसीजन उसके होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन अ ग्रुप। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या होती है, उसमें एक तो पर्सनल सिक्योरिटी होती है और वो अपने ग्रुप के साथ क्या फील करता है, सिक्योर फील करता है। लाइक हम अपने फ्रेंड सर्कल में है या हम अपनी फैमिली के साथ है, ग्रुप के साथ है, तो हम उसमें खुद को क्या फील करते हैं, सिक्योर फील करते। सो दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या है, मेंटली हेल्दी है। ओके, नेक्स्ट है ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, अब उनको फुलफिल करता है। ओके, नेक्स्ट है ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो लव देगा भी और उसको एक्सेप्ट भी करेगा। ओके, नेक्स्ट है ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन इमेजिनेशन। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो एक रियलिटी में रहता है, ना कि इमेजिनेशन में। ठीक है, वो ये नहीं बस बैठ के सोच रहा है अच्छा मैं ये करूंगा, अच्छा ये हूँ मैं, वो हूँ, नहीं, वो क्या करता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है ही डेवलप अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डे टू डे लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस रहती हैं, तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उस पे कैपेसिटी होगी कि वो उसको टॉलरेट कर सके। आप एज अ स्टूडेंट हो स्कूल में, कॉलेजेस में, वहां पे इतना ज्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इस बार टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, उस टीचर ने भी असाइनमेंट दे दिया, बट आप में कैपेसिटी है उसको टॉलरेट करने की, तो आप क्या हो, मेंटली हेल्दी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, ही डेवलप द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वो क्या डेवलप करता है, अपनी लाइफ की फिलॉसफी को डेवलप करेगा, दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटीज। जो उसकी डेली एक्टिविटीज को एक मीनिंग और एक पर्पस देगी। ओके, हम कुछ भी काम करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज में तो उसका एक मीनिंग, एक पर्पस होता है, तभी हम करते हैं, ऐसे तो नहीं कुछ भी वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही हैज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। जो एक इंडिविजुअल है, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं कि आज मैं ये करूं, आज ये, तो नहीं बस ये कर दिया जो चलो बस हो गया काम, नहीं, उसके क्या है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होंगे एंड जनरली लिव्स अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। और एक जो मेंटली हेल्दी होगा वो क्या करेगा, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जो है अपनी अच्छे से बिताएगा। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, और जो भी आपके क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।